हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार्ट। आज के युग में विज्ञान का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। सभी ओर वैज्ञानिक साधनों का बोलबाला है। यही तो वैज्ञानिक चमत्कार है कि मनुष्य का मन, आत्मा और शरीर वैज्ञानिक साधनों के बल पर अपना कार्य करने लगा है। प्राचीन काल में विज्ञान का बोलबाला सभी देशों में नहीं था। श्री राम चंद्र को ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या विश्वामित्र ने सिखाई थी। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि लंका के राजा रावण के पास अनेक वैज्ञानिक आविष्कार थे, इसीलिए वह भयंकर युद्ध लड़ सकता था। पुष्पक विमान की कहानी भी हमें रामायण में पढ़ने को मिलती है। इसके अतिरिक्त सिर शिरोमणि अर्जुन के वर्षा अथवा आग बरसाने वाले बाणों की कथाएं भी हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। इन सब को हम वैज्ञानिक चमत्कारों का नाम दे सकते हैं, परंतु ये चमत्कार अब पुराने पड़ गए हैं। इंद्र का व्रज यदि विद्युत है तो भी सुंदर कल्पना ही है। विज्ञान के चमत्कारों में बिजली का चमत्कार सबसे अधिक उपयोगी है। संसार भर में बिजली का प्रयोग किया जाता है। मशीनरी के सभी यंत्र बिजली के सहारे चलते हैं। घरों में तापमान एवं प्रकाश को प्राप्त करने का साधन यह बिजली ही है। इसके बिना जीवन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाजों का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था। तब आकाश यात्रा का पहला चरण आरंभ हुआ था, परंतु धीरे धीरे ये हवाई जहाज युद्धों के लिए अपने उपयोग सिद्ध करने लगे। अब तो जेट विमानों का युग है। आजकल तेज गति से चलने वाले सुपरसोनिक विमान आकाश में उड़ते हैं। इनकी गति आवाज से भी अधिक होती है और मार भी दूर तक सकते हैं। हवाई जहाज का युग तो अब लद ही गया है, क्योंकि रॉकेटों और रडारों ने अब युद्ध का संचालन आकाश में करने का युग ला दिया है। हवाई जहाजों का युद्ध आकाश का ही है। समुद्र में भी वैज्ञानिक चमत्कारों ने अपना जाल फैला दिया है। समुद्र की भीतरी सतह तक जाने वाले कई वैज्ञानिक आविष्कार सामने आ गए हैं। समुद्र के संसार को खोजकर सामने लाने के लिए इन वैज्ञानिक साधनों ने कमाल कर दिया है। समुद्री जहाज एवं पनडुब्बियां अपना जौहर दिखाती हैं। पानी के भीतर चलने वाले नए नए वैज्ञानिक साधन बन गए हैं, जिनका उपयोग मानव सेवा और मानव विनाश के लिए किया जा रहा है। युद्धों में प्रयुक्त
होने वाले अनेक प्रकार के समुद्री जहाज सामने आए हैं। इन जहाजों को देखकर लगता है कि एक रहने सहने का संसार ही इन जहाज़ों में बस गया है।